5 राज्यों में खराब प्रदर्शन से कांग्रेस में खलबली, G23 फिर से हुआ एक्टिव, नए अध्यक्ष की मांग पर गुलाम नबी आजाद के घर बैठक। जी हां, आपको बता दें कि देश के 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें कांग्रेस को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब में भी कांग्रेस को अब सत्ता की कुर्सी छोड़नी पड़ी, यहां आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। ऐसे में G23 की सदस्यों ने पार्टी के अध्यक्ष की मांग की है। जानकारी के मुताबिक गुलाम नबी आजाद के घर पर यह मीटिंग हुई है। मीटिंग में कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी भी मौजूद रहे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष के मुद्दे पर चुनावी नतीजों से पहले राहुल गांधी के आवास पर एक बैठक भी हो चुकी है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यूपी महासचिव प्रियंका गांधी, संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में कहा गया था कि कांग्रेस चुनाव समिति CEC 2022 के सितंबर महीने तक अपना अगला अध्यक्ष चुन सकती है। वहीं ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और गुजरात इंचार्ज रघु शर्मा ने कहा कि आज पूरे देश में भाजपा का मुकाबला अगर कोई कर रहा है तो राहुल गांधी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असली बात है मुद्दों के आधार पर जनता की लड़ाई लड़ना, वो तो राहुल और प्रियंका गांधी कर रहे हैं। बता दें कि यूपी के जरिए से राष्ट्रीय राजनीति में वापस आने की कोशिश कर रही कांग्रेस को नतीजों से झटका लगा। यूपी चुनाव के ऐन वक्त पहले कई नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया, तो चुनावी नतीजों में उनके प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू तक चुनाव हार गए। निषाद गठबंधन के डॉक्टर असीम कुमार ने 1,14,957 मत हासिल करते हुए समाजवादी पार्टी के उदय नारायण गुप्ता को हरा दिया। अजय कुमार लल्लू तमकुही राज सीट से तीसरे नंबर पर रहे। पिछले चुनाव में अजय कुमार ने इस सीट से जीत दर्ज की थी।